तो मेवाती लोग चाहे कितनी भक्ति कर लें भगवान के, लेकिन मांगने कुछ नहीं अपने लिए कभी भी, बड़े हमें दूसरे के लिए मांगते हैं। एक बार तीन व्यक्ति थे, तीन लोग अपनी भगवान की भक्ति में लगे कि जो भगवान से वरदान मांगना है, तो भगवान जी प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति से। तो भगवान जी प्रकट हो गया, बताओ भाई तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो पहला जो तो अफ्रीकन था, उससे कहा कि भाई बोल क्या चाहता है, मैं बड़ा खुश हूँ आपके भक्ति से कि भगवान मैं बहुत काला हूँ, मुझे तो गोरा कर दे, चल तुझे गोरा बना दिया। फिर दूसरे से पूछा, वो भी काला था, बल तुम क्या चाहते हो, भगवान मुझे भी गोरा कर दे, उसको भी गोरा कर दिया। अब मेवाती वाला आ गया कि बोल भाई मैं आपसे पूछू आपके, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन सारों को फिर से काला कर दे। तो हमारा जो मेवाती है वो हमेशा दूसरे के लिए मांगता, फिर कुछ नहीं मांगता, ये उसकी विशेषता है। देखो हिंदी का नुकसान उन्होंने क्या, जिन्हें हिंदी को मुश्किल बनाया, मुश्किल लिखा, मुश्किल बोला। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे सरल बनाइए, सरल लिखिए। तो एक भाई मैं 14 सितंबर को बैंक में मेहमान था हिंदी दिवस के मौके पर, तो मैंने वहां मैनेजर साहब से कहा देखो आप सारा काम हिंदी में करिए, ड्राफ्ट हिंदी में बनाइए, चेक हिंदी में भरवाइए, और जितने भी नेम प्लेट्स हैं वो हिंदी में लिखवाइएगा। मैं कहकर बैंक से घर लौटा था, रास्ते में फोन आ गया कि सर मैनेजर साहब टूट गए, आप जानते हो और जगह पीटे जाते हैं हरियाणा में कूटे जाते हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कहले सर कुछ नहीं हिंदी ने पिटवा दिया। मैं वहां वापस गया, मैंने देखा ओहो बड़ी गड़बड़ कर दी बैंक में, जो करंट अकाउंट पर लड़की बैठती थी उसके सामने लिखवा दिया चालू खाता। तो उसने मारा कि नालायक जो बात गोपनीय थी सार्वजनिक करना चाहता है। नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। देखो माफी चाहूंगा, वैसे मैं अगले किसी कार्यक्रम में आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं इस बार दिलाता हूँ आपको, क्योंकि मैं नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। अगली पंक्ति अपनी अहंकार की पढ़ता हूँ, जिसको आपकी बाबा मेरा स्वाभिमान बनाएगी। नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है, मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है। कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको, कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको, सिकंदर हूँ मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। वाँ 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 एक रोज खाली हाथ जाना है। मैं कवि क्यों बनना चाहता था और क्यों नहीं बना, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि आप जानते हैं मैं तो स्कूल कॉलेज से जुड़ा आदमी हूँ। एक बार एक स्कूल में चला गया मैं कार्यक्रम में, तो टीचर मुझे क्लास में ले गए अपनी में, कहले सर कुछ मैंने बच्चों को सिखाया है, होते ना वो क्वेश्चन आंसर उत्तर प्रश्न, तो आप जरा बच्चों को देख लीजिए। तो उस दिन के बाद उस हादसे से मैं गुजरा, मैंने कवि बनने का इरादा पलट ही दिया। तो मैं उसको एक मैंने कविता जो है कवियों के सम्मान में लिखी है, यकीनन कवियों के अलावा आप सब लोग इस पर तालियां बजाएंगे। क्लास टीचर ने विद्यार्थी से पूछा एक सवाल, क्लास टीचर ने विद्यार्थी से पूछा एक सवाल, जिसको सुनकर मेरे मन में आ गया भूचाल, जिसको सुनकर मेरे मन में आ गया भूचाल। टीचर बोला बताओ भिखारी और कवि में क्या है अंतर, जवाब सुनकर कवि बनने का मेरा इरादा हो गया छुमंतर। क्योंकि मैं जब इस मुशायरे की तारीख सिकंदर आगिल साहब ने तय कर दी, तो मैं बहुत सारे कवियों के संपर्क में गया कि आप हमारे वहां सामाजिकता पर कार्यक्रम में कृपया आइए। उन कवियों के जो रिएक्शन से जो ये कविता लिखी गई है, मैं उसके संदर्भ में कविता आपको सुनाता हूँ, माफी चाहूंगा। तो टीचर बोला बताओ भिखारी और कवि में क्या है अंतर, जवाब सुनकर कवि बनने का मेरा इरादा हो गया छुमंतर। वैसे तो भिखारी और कवि होते हैं एक समान, फिर भी कवि से ज्यादा भिखारी के पास है स्वाभिमान, फिर भी भिखारी कवि से ज्यादा भिखारी के पास है ज्यादा स्वाभिमान। विद्यार्थी बोला भिखारी हाथ में कटोरा लिए घूमता है, जबकि कवि एक पन्ना लिए माइक पर चिल्लाता है। ये सुनकर कवि बनने के फैसले पर मैं पछताने लगा, क्योंकि कवि से तो मुझे भिखारी अच्छा लगने लगा। ये सुनकर कवि बनने के फैसले पर मैं पछताने लगा, क्योंकि कवि से तो मुझे भिखारी अच्छा लगने लगा। अब विद्यार्थी ने आगे और भी गजब ढाया, अब विद्यार्थी ने आगे और भी गजब ढाया, जब कवि के चरित्र को खोलकर बताया।
भिखारी तो बिना पैसे लिए भी अगले चौक पर चला जाएगा, कवि को पेमेंट नहीं दी तो स्टेज पर ही वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। कवि के बारे में ये सुनकर मेरी आंखें रोने लगी, बेबस लाचार कवि पर मुझको दया आने लगी। अब मैंने उस जवाब को और आगे बढ़ाया, जब कवि के महत्व को क्लास में समझाया। अगली पंक्ति पढ़ता हूँ अंतिम इस कविता की, और इस मजमे में जितने भी लोग बैठे हैं सबसे ज्यादा तालियां इस आज की इस कवि इस पंक्ति पर मिलनी चाहिए। अब मैंने उस जवाब को और आगे बढ़ाया, जब कवि के महत्व को क्लास में समझाया। जब संसद से सड़क तक, धर्म से मतदान तक सब कुछ बिक जाता है, जब संसद से सड़क तक, धर्म से मतदान तक सब कुछ बिक जाता है, वो केवल कवि ही है जिसे कोई खरीद नहीं पाता है। तो आज की शाम का उर्मान पढ़ता हूं मैं, जो यार टिप्पणी सुना रहा हूं। देखो यहां सभी समाज के लोग बैठे, सभी धर्मों के लोग बैठे हैं। आप रमजान शब्द राम से शुरू होता है और दिवाली अली पर समाप्त होती है। मेरी ये टिप्पणी अपने घर ले जाना, बुजुर्गों को सुनाना, उनकी दुआ मुझ तक, मेरे मुस्लिम मंच तक, मेवा तक पहुंचाना। रमजान शब्द राम से शुरू होता है और दिवाली अली पर समाप्त होती है। इसलिए कहता हूं कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान। ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। जब मैंने ये कविता लिखी थी तो सबसे पहले मैंने इस हास्य कविता को अपनी बेटी को सुनाया, जब कॉलेज में पढ़ती है। मैंने पूछा बेटी कैसी कविता है, तो बेटी बोली कि पापा कविता तो ठीक है पर हास्य कम है। तो मैंने कहा इससे ज्यादा तो मैं इनकी बेइज्जती नहीं कर सकता। ये मुझे मालूम चला कि मेरी बेटी की कितनी सहानुभूति कवि लोगों के साथ। एक बार फिर मैं कवियों के सम्मान में कि कविता कैसे लिखी जाती है पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे कागज की तलवारों से, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों ये जो एक पैदा होने से पहले मर चुका कवि है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से वायदा किया है कि आज के बाद मैं कवियों के बीच नहीं आऊंगा, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर इसी तरीके की शायरी हिंदुस्तान में होने लगी तो यकीनन मुशायरे में कोई नहीं आएगा। इससे पहले कि मैं किसी और शायर के दशहरे और बकरीद के मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया। हिंदुस्तान के सूबे हरियाणा के शहर गुड़गांव के हुडा जिमखाना क्लब सेक्टर 29 में इस मुशायरे और कवि सम्मेलन की शानदार निजामत की रुबाई के उस्ताद शायर जनाब सिकंदर आकिल साहब ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के शुरुआत में निजामत के जलवे बिखेरे टीवी एंकर मुमताज परवीन ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के चीफ गेस्ट रहे जनाब इंद्रेश कुमार साहब, जो मुख्य मार्गदर्शक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। इस मुशायरे की सदारत की बिहार सरकार के साबिक मिनिस्टर जनाब अखलाक अहमद साहब ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के स्पेशल गेस्ट थे डॉक्टर सर्वनन आर्य, एक्स वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब खुर्शीद अहमद राजा का, कोऑर्डिनेटर हरियाणा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब मोहम्मद अफजाल साहब का, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। शुक्रगुजार हैं हम जनाब गिरीश जोयाल साहब के भी, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमरान चौधरी साहब का, जो नेशनल को कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। शुक्रगुजार हम ताहिर हुसैन साहब के भी हैं। इन सब की बदौलत ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन अमल में आया। ये जो आपने देखा ये मुशायरे का एक वीडियो है। अगर आपको पूरा मुशायरा ये सुनना है तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। जी हाँ, रॉकी टॉक सोशल मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और लाइव मुशायरे देखिए, और उसके बाद पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com पर देख सकते हैं। आप हमसे बात भी कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। और अगर आप मेल के थ्रू अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है rockytalkmedia@gmail.com। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। बाय बाय।